अगर आप अपनी टिकटॉक वीडियोस को या स्नैक वीडियोस को या फिर किसी भी तरह की वीडियोस को स्लो फास्ट स्लो वे से एडिट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब स्लो फास्ट स्लो वे से मैं किस तरह की वीडियो एडिटिंग की बात कर रहा हूँ इसको समझने के लिए एक छोटी सी वीडियो देखें। तो आपने देखा कि ये वीडियो पहले नॉर्मल स्पीड पे थी, फिर अचानक से वीडियो फास्ट हो गई, फिर अचानक से वीडियो स्लो हो गई और फिर थोड़ी सी फास्ट हो गई। तो इस तरह की वीडियो एडिटिंग ये वाली वीडियो देखने के बाद अपने मोबाइल पर बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे सिर्फ 2 मिनट में। सीखो यार यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम। मैं हूं अब्दुल वाहिद डुड्डी। चैनल पे नए आ गए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हम बार बार मिलते रहें और हमारी इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए अभी मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं। वेलकम टू मोबाइल स्क्रीन। अपने मोबाइल पे टिकटॉक की तरह की स्लो फास्ट स्लो वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और उस एप्लीकेशन का नाम है कैपकट। आप लिखेंगे CAPCUT कैपकट तो आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसके 100 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं और 4.5 रेटिंग है। इससे आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितनी आला एप्लीकेशन है और जितने भी टिकटॉकर्स हैं वो तकरीबन हर टिकटॉकर ही अपनी वीडियो की एडिटिंग इसी एप्लीकेशन में करता है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये कैपकट एप्लीकेशन ओपन होके आ गई है। अब यहाँ पे अपनी वीडियो को लेके आने के लिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है जहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट लिखा है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल में मौजूद वीडियोस आ जाएंगी। यहाँ से हम वो वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने लेके आनी है, जिसकी एडिटिंग करनी है, और यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है तो ये वीडियो हमारे सामने आ गई है। अब ये नीचे हमारा टाइमलाइन है, इसको हम इधर उधर मूव करेंगे तो ये देखें वीडियो मूव हो रही है। अब स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए सबसे पहले वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो नीचे ऑप्शन में स्पीड का ऑप्शन आ रहा है, स्पीड पे क्लिक करना है और यहाँ से 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक नॉर्मल और दूसरा कर्व। तो हम इस कर्व वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन आ रहे हैं तो यहाँ पे हमने दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसका ये लिखा हुआ है मॉन्टेज, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने इस तरह की कर्व्स बनी आ जाएंगी। इस कर्व को हम जितनी स्पीड ज़्यादा करना चाहेंगे इसको उतना ऊपर करते जाना है। अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे तो मतलब ये नॉर्मल स्पीड है और यहाँ से ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ से जितनी कम करना चाहें कम कर सकते हैं। फिर अगले पॉइंट से ज़्यादा कर लेंगे और फिर अगले पॉइंट से कम कर लेंगे। तो अभी ये देखें प्ले हो रही है वीडियो, इस पॉइंट से स्पीड ज़्यादा हुई, फिर ये एकदम कम हो गई, फिर ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे टोटल कंट्रोल हमारे पास है, जहाँ पे हम जितनी स्पीड ज़्यादा करना चाहें या जितनी कम करना चाहें तो हम यहाँ से इस तरह से कर लेंगे। स्पीड यहाँ से कम ज़्यादा करने के बाद यहाँ पे इस टिक पे क्लिक कर देना है तो इससे ये सेव हो जाएगी। और उसके बाद अब इस वीडियो को हम यहाँ से एक बार प्ले करके देखते हैं। अभी देखिए यहाँ से ये वीडियो फास्ट हुई और फिर ये एकदम स्लो हो गई है और फिर यहाँ से थोड़ी सी फास्ट हुई और यहाँ से वीडियो एंड हो गई। उसके बाद यहाँ से इस एरो के निशान पे क्लिक करना है तो यहाँ से वीडियो की क्वालिटी सिलेक्ट करेंगे, 720 पिक्सल या फिर 1080 पिक्सल। ये करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है तो ये वीडियो हमारी रेडी हो जाएगी। इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल पे नए आ गए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हम बार बार मिलते रहें और हमारी इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए सीखो यार पाकिस्तान जिंदाबाद।